अब मुझे तेरा इस तरह बाजार में अकेले घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझसे कहती तो मैं साथ चलती ना। अम्मी पहले कभी गई है बाजार मेरे साथ? तो तू पहले माहीन के साथ या फिर मोहल्ले की लड़कियों के साथ जाती थी, ये अकेले जाने की क्या तुक है? अम्मी के माहीन को महरवक अपने साथ चिपका के रखूं? जब वो खुद ससुराल जा रही थी मुझे अपने साथ बांध के लेके गई है। अरे सुन तो सही, अरे वो जकिया आई थी तो भाई वो वलीमा है, हमने जाना है, तू तैयारी कर ली। वलीमे पे? हाँ माहीन का। अम्मा उन्होंने हमें शादी पे तो बुलाया नहीं, हम वलीमे पे क्यों जा रहे? तू पागल हो गई है क्या रोशनी? अरे बुलाया तो था, तू ही सबको छोड़ छाड़ के शाइस्ता के वहां चली गई थी। हाँ वो शादी लेकिन कभी हुई तो नहीं ना अम्मा, उमर की शादी में बुलाया उसने हमें, बुलाया नहीं बल्कि हवा तक नहीं लगने दी। हाय हाय रोशनी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू जब से शाइस्ता की वहां से आई तेरा दिमाग बिल्कुल पलट गया है। अरे कल ही तो तुझे सारी बातें बताई है मैंने कि कितनी आनंद फानंद शादी हुई है, अब तू इतनी सी बात को लेके अपनी बचपन की सहेली से रूठ जाएगी? अरे बेवकूफ लड़की, उस बेचारी के हाथ में तो कुछ भी नहीं था, कुछ जोर ही नहीं था, ना ही वो शादी करने में और ना ही उस शादी को रोकने में। क्यों जोर नहीं था, मना कर सकती थी ना, मैडम फौरन तैयार हो गई वो भी निकाह के लिए। रोशनी मैं तुझे नहीं समझा सकती,